जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताहव्यापी गतिविधियों का आज समापन हो गया। कॉलेज में आयोजित समापन समारोह में समाज कल्याण निदेशक डॉ. नितिन शाक्या मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एच.के. शर्मा, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. व्यासमणि त्रिपाठी, पोषण अभियान की स्वास्थ्य एवं पोषण परामर्शक सारिका वर्मा, गृह विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. निधि शेखावत, अन्य संकाय सदस्य, विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थी, समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि और अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर समापन समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एच.के. शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। इसमें जो विजन था वो क्लियर था कि एक पारंपरिक फूड जो हमारे बच्चों की सेहत के लिए लाभदायक है, वो बच्चे जो है किस तरीके से एक मतलब गेम के रूप में, यानी एक नॉर्मल रूप में जो उनको फोर्स ना किया जाए, उस तरीके से जो है वो किए। इसके लिए हमारा रेसिपी प्रोग्राम भी हुआ और इसमें काफ़ी सक्सेसफुल था, काफ़ी अच्छी रेसिपी हुई, मिलेट्स की रेसिपी बनाई गई और वो काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम था हमारा। बाकी और भी प्रोग्राम हुए हमारे, जिसमें आपका नुक्कड़ नाटक था जो काफ़ी एक मैसेज दे रहा था कि हमें किस तरीके से जो है वो देखना है, नारी का सम्मान किस तरीके से करना और नारी के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य इतना ही है कि हमारा यूथ जो है वो आगे बढ़े और यूथ आपका नशा मुक्त भी हो और दूसरा जो है सुधर रहे और आपका जो है हेल्थ उसकी अच्छी रहे। यदि हमारे बच्चों की हेल्थ अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात यही है कि राष्ट्र उन्नति के लिए हमारे बच्चों की, हमारे युवाओं की हेल्थ अच्छी होनी है और वो बुरे व्यसनों से दूर रहें। ये हमारे महाविद्यालय का एक प्रकरण है और हमारा विजन है। इसमें हमारे सोशल डिपार्टमेंट जाए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हम काफ़ी सहयोग किया है, पहले भी हमें बहुत सहयोग मिला है, तो इसके लिए उनको मैं बार बार धन्यवाद दूंगा। दूसरा, एक प्रोग्राम हम रिक्वेस्ट करेंगे डायरेक्टर साहब से कि हम एक टोबैको पर प्रोग्राम करना चाहते हैं, उसमें भी हमको थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो अच्छा रहेगा। हम सिर्फ प्रोग्राम नहीं करते, दो चीज़ें हैं, प्रोग्राम सिर्फ जो है नहीं करते, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उसके इम्प्लीमेंट करें, तो वो भी हमारा ये प्लान में है। तो निधि मैडम से भी मेरा यह है कि वो NSS के कोलैबोरेशन से, सोशल वेलफेयर के कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी ने कहा कि हमारी खाद्य सुरक्षा में अब कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कैंसर और अन्य प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए पारंपरिक भोजन के महत्व पर जोर दिया। पोषण सप्ताह और पोषण माह के बारे में हमारी जो गृह विज्ञान विभाग की अध्यक्ष हैं सुश्री निधि शेखावत, उन्होंने बहुत विस्तार के साथ कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने यह बताया कि किस तरह से महीने भर विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित हुए। मुझे अब उनके बारे में कुछ नहीं कहना है और जाहिर है मुझे उतनी जानकारी भी नहीं है, क्योंकि मैं महीने भर जो कार्यक्रम चला उसमें मैं भागीदार नहीं था, लेकिन मेरी जो बुद्धि कह रही है उसके अनुसार भाव यही है कि ये जो पोषण माह मनाया गया है उसमें प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना कि हमारे विद्यार्थी स्वस्थ और रुचिकर भोजन प्राप्त करें ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो, यही उद्देश्य रहा होगा। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अब भूख की कोई समस्या नहीं है, भूख और भय एक तरह से समाप्त हो चुका है। कभी दिनकर ने लिखा था बहुत पहले, मैं समझता हूँ प्रतंत्रता काल में, कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर, जाड़ों की रात बिताते हैं। तो वह एक समय था जब भूख और भय हमारे समाज में व्याप्त था, लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं है, सबको भोजन उपलब्ध है, सब अच्छी तरह से जी रहे हैं। बात अब यहाँ आती है कि हम उन्हें रुचिकर और स्वास्थ्य भोजन कैसे प्रदान करें,
और कैसे उनको प्रेरित प्रोत्साहित करें। जाहिर है भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उन विभिन्न योजनाओं में मैं ये देख रहा हूं कि परंपरा की ओर लौटने की बात हो रही है कि हम परंपरागत भोजन की ओर बढ़ें, जिसमें आपने देखा होगा कि ज्वार बाजरा रागी और ये पुरानी जो हमारी खाद्य सामग्री थी उसकी ओर लौटने की बात हो रही है। तो इस पर बल दिया जाना चाहिए और जैसा कि निधि शेखावत महोदय ने मैडम ने अपने संबोधन में बताया कि हम मिलेट्स की ओर लौट रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं कि आप मिलेट्स का प्रयोग करें, रागी का प्रयोग करें, ज्वार का प्रयोग करें, सरसों तेल का प्रयोग करें, यानी हमारी जो परंपरागत खाद्य सामग्री है उसमें पोषण के भरपूर तत्व हैं, सारी विटामिन्स हैं, सारे मिनरल्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनका अगर हम वो सब अपनाएंगे अपने भोजन में तो हम बीमार नहीं होंगे। आज देखिए कि तरह तरह की बीमारियाँ, हमारे पूर्वजों में शुगर और बीपी जैसी कोई समस्या नहीं थी, हमारे पूर्वजों में कैंसर जैसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आज ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं? पिज्ज़ा बर्गर जब हम खाएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आधुनिक जो भोजन भोज्य सामग्री है वह हमें बीमारी की ओर ढकेलती है। तो ज़्यादा मैं नहीं कह करके, क्योंकि लोगों को जाना भी है, मैं इतना ही कहूँगा कि आप पोषण युक्त भोजन प्राप्त करें, स्वास्थ्य रुचिकर भोजन प्राप्त करें और अपने घर में बताएं, क्योंकि विद्यार्थी वो माध्यम होता है जो समाज को शिक्षित करता है, अपने परिवार को शिक्षित करता है। एक विद्यार्थी अगर अपने परिवार को शिक्षित कर गया तो मैं समझता हूँ कि जितने विद्यार्थी हैं समाज अपने आप ही वो हमारी परंपरागत जो भोज्य शैली है, भोज्य पदार्थ हैं, उनकी वो निश्चित रूप से वो परिवार लौटेगा, समाज लौटेगा। समारोह में समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाकिया ने डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी की बात पर सहमति जताते हुए कहा कि फास्ट फूड का दोष कुपोषण है। तो एक रिपोर्ट आती है माल न्यूट्रिशन की, तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में बात होती है, जिसमें स्टंटिंग वेस्टिंग के बारे में बात होती है, लेकिन ये चीज़ें अब पुरानी हो चुकी हैं कि न्यूट्रिशन की कमी वाली जो बात थी वो जिसमें कि इंसान पतला होता था, दुबला होता था या उसकी हाइट कम होती थी, ये पहले की बीमारियां हैं। एक नई बीमारी और जुड़ गई है, वो है ओबिसिटी, उसको भी माल न्यूट्रिशन में आजकल कंसिडर किया जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि माल न्यूट्रिशन सिर्फ हम तब नहीं कहते हैं कि जब कोई शख्स वजन में कम हो या हाइट में कम हो, बल्कि अगर वो ओबीस भी है, मोटा भी है, तब भी वो माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आएगा। सेकेंड चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो भी हम फास्ट फूड खाते हैं उससे अगर साइंटिफिकली एक चीज़ देखी जाए जो बेनिफिशियल होती है, वो होती है कि हमारी टेस्ट बड्स को तो वो अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारी गट होती है यानी जो हमारा पाचन क्रिया है उसके लिए उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। और पैरेलल में अगर दूसरी चीज़ हम लोग देखें तो वो होता है हमारा सादा खाना। हमें टेस्ट बड में तो शायद उतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं लगता है, लेकिन हमारी गट के लिए ठीक होता है। तो उन दोनों का अगर मिश्रण किया जाए तो वो मेरे ख्याल से एक विन विन सिचुएशन होगी। तो वही चीज़ आपको हम लोगों ने यहाँ पे रेसिपी कॉम्पिटिशन में बताई थी कि हम लोग सेम चीज़ जो कि हमारी टेस्ट बड को अच्छी लगे और हमारी गट को अच्छी लगे, वो विन विन सिचुएशन कैसे करी जाए। पिज़्ज़ा बर्गर को हम लोग नॉर्मल जो न्यूट्रिशियस फूड है उससे हम लोग कैसे बना पाएँ, जो मोमोज हैं उनको हम लोग किस तरह से न्यूट्रिशियस बना पाएँ, वो चीज़ें आपको सिखाई गई थी। तो JNRM कॉलेज जो कि अंडमान निकोबार का बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, यहाँ की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, मैं आप सबसे आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो भी चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं उसको समाज तक आप फैलाएंगे और एज ए एम्बेसडर ऑफ गुड न्यूट्रिशन यहाँ से बन के निकलेंगे। समारोह में पोषण माह के सिलसिले में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। Now for the quiz competition. Thank you.
एंड आई एम ऑनर्ड टू डिलीवर द वोट ऑफ थैंक्स ऑन द बिहाफ ऑफ होम साइंस डिपार्टमेंट JNRM. फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक्स टू आवर चीफ गेस्ट डॉक्टर नीति साकिया डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर. आई एम वेरी मच थैंकफुल टू आवर गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर HK शर्मा प्रिंसिपल JNRM फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस. आई एम वेरी मच थैंकफुल टू त्रिपाठी सर अ प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी फॉर देयर इंस्पायरिंग स्पीच. आई एम ग्रेटफुल टू डॉक्टर सारिका वर्मा कंसल्टेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फॉर शेयरिंग योर नॉलेज. माई सिंसियर थैंक्स टू मिसेस निधि शिखावत मैम HOD होम साइंस. शी वर्क रियली हार्ड फॉर मेकिंग दिस इवेंट अ ग्रैंड.